नमस्ते किशन भाइयों, आज हम बात करने वाले स्नेल के बारे में। बहुत ज़्यादा डैमेज कर देती है शुरुआती दौर में हमारी फसल को, तो इसके बारे में आज हम जानकारी लेने वाले हैं। हिंदी में उसको घोंघा कहते हैं और मराठी में इसको गूगल गाय कहते हैं, तो इसको कंट्रोल कैसा करना चाहिए इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। मैं हूँ प्रमोद निकम और आप देख रहे हैं अपनी खेती अपनी प्रगति यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में हम पूरी तरह से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या करना चाहिए हमें। के लिए बहुत ही कारगर साबित होता है, तो इसके ज़रिए हम इसका कंट्रोल कर सकते हैं। मेटालडिहाइड ये जो कंटेंट है वो कई सारे देशों में बैन हुआ है, लेकिन अभी हमारे इंडिया में तो अभी ये शुरू है, तो इसका इस्तेमाल करके हम आसानी से ये जो घोंघा है स्नेल है इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब मैं आपको और कई सारे नुस्खे बताने वाला हूँ, यह हमें करने चाहिए या नहीं करने चाहिए यह भी बताने वाला हूँ। कई सारे किसान भाई सोडियम साल्ट यानी कि नमक अपने ज़मीन के ऊपर छिड़कते हैं डालते हैं, तो उसके ज़रिए भी ये स्नेल कंट्रोल हो जाता है। लेकिन जब हम लोग सोडियम साल्ट डालते हैं अपनी खेती में, तो ये जो सोडियम रहता है ये हमारे खेती के लिए बहुत ही घातक साबित होता है। जो हमारी उपजाऊ ज़मीन है उसको बंजर बनाने में हम सहयोग देते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो ये जो सोडियम साल्ट है, जो मीट है, ये हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो भी लोग कर रहे हैं तो उनको मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी प्रार्थना है कि आप ये इस्तेमाल ना करें। दूसरा एक तरीका है, कई सारे किसान भाई मैग्नीशियम सल्फेट भी डाल देते हैं, तो ये तो हमारे ज़मीन के लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन कितना डालना चाहिए प्रति एकड़ के हिसाब से हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। इसका ज़्यादा भी मात्रा में हम लोग नहीं डाल सकते, ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 केजी प्रति एकड़ हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक ऑर्गेनिक तरीका है, हमारे हम लोग जो कॉफ़ी पीते हैं तो कॉफ़ी पाउडर जो है उसका भी छिड़काव हम लोग कर सकते हैं। कॉफ़ी पाउडर में कैफीन का जो स्मेल रहता है वो स्मेल के लिए त्रासदायक रहता है, तो उसके वजह से स्नेल हमारे खेत में से भाग जाती है। दूसरा एक और तरीका है, लहसुन जो रहता है उसका भी स्मेल हमारे जो स्नेल रहती है उसको सहन नहीं हो पाती है, उसका स्मेल उसका भी इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं छिड़कने के लिए। तो ये रहे कई सारे नुस्खे, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास और भी कोई तरीका है इसको भगाने का तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल के ऊपर कोई नया है हमारे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साइड में जो बेल आइकन आता है उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि जो नई वीडियो आने वाले हैं, जो हम लोग आपको बताते हैं नई नई ट्रिक्स
तो उसके बारे में जानकारी पाने के लिए, उसको भी नोटेशन पाने के लिए तो उसको दबा दीजिएगा। धन्यवाद किसान भाइयों वीडियो पूरा देखने के लिए।